तो अभी यार आप देखो कि एम्स हॉस्पिटल के बाहर का नजारा कितना शानदार है और बिल्कुल फॉगी हो रही है, बिल्कुल मौसम बिल्कुल मस्त हो रहा है। यार अभी ना मोनी की तबीयत थोड़ा सही हो गई है और इनको ना जाना है लॉन्ग राइड पे, तो मैंने सोचा चलो भाई बुलेट ही निकाल लें, अब इनको लेके चलते हैं लॉन्ग राइड पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। तो गाइज आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत ही ज्यादा हटकर और कमाल का होने वाला है, बिकॉज हम ना आज अपनी मिटियोर से जा रहे हैं पापा और मैं एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश, बिकॉज यार पापा के ना थोड़ा यहाँ पर ना इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको दिखाना डॉक्टर को, कल भी गए थे बट कल डॉक्टर आए नहीं थे, तो आज हम जा रहे हैं। तो ब्लॉग पर बने रहें, आज का ब्लॉग आप पूरा जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो एम्स हॉस्पिटल जाने से पहले थोड़ा हम ना अपने घर जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं यार कि लेबर वेबर सही से काम कर रही, क्योंकि गाइस ध्यान देना बहुत जरूरी है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो भाई ऐसी तैसी कर देते हैं घर की। तो चलो यार पहले देख लेते हैं कि काम कैसे कर रहे हैं लेबर्स, जो भी मिस्त्री लेबर्स है, और उसके बाद निकलते हैं, सीधा मिलते हैं आपको एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश में। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश में और सामने हमने अपनी बाइक को पार्क कर लिया है और ये है पूरी की पूरी पार्किंग और सामने है एम्स। तो चलो यार चलते हैं, अभी यहाँ पर 20 रुपये हमें पे करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर पार्किंग का 20 रुपये चार्ज लगता है टू व्हीलर का, यानी कि बाइक स्कूटी का। तो अभी यार आप देखो कि एम्स हॉस्पिटल के बाहर का नजारा कितना शानदार है और बिल्कुल फॉगी हो रही है, बिल्कुल मौसम बिल्कुल मस्त हो रहा है और पूरा बादल ही बादल है, और सामने है हेलीपैड जहाँ पे इमरजेंसी कभी लैंडिंग होती है, फिर कोई आता है स्पेशल गेस्ट तो वहाँ पर है हेलीपैड जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग करता है। इसके अलावा ये देखो बहुत बड़ा एरिया यार एम्स का, और ये है ट्रामा सेंटर एम्स का, और इस साइड जो बिल्डिंग है वो है सामने एमरजेंसी बिल्डिंग जहाँ पर एमरजेंसी के केसेस आते हैं, और इस साइड है भाई नॉर्मल ओपीडी जहाँ पर लोग अक्सर नॉर्मल अपनी लाइन लगवा के जो है स्लीप लाइन लगवा कर अपना जो है ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये सारा एरिया है, हालांकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा एरिया है और पीछे तक इसका गेट है, यानी कि इसमें 4-5 गेट हैं और बहुत बड़ा एरिया में कवर है, और साथ ही साथ में यहाँ पर ना कॉलेज भी है, यानी कि एम्स हॉस्पिटल में लोग ना पढ़ाई भी करते हैं, डॉक्टर की जो भी पढ़ाई करते हैं वो सारी की सारी पढ़ाई भी यहीं पे होती है, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी होती है और लोग ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। तो चलो यार अभी हम चलते हैं अंदर और अपनी पहले स्लिप लगवा लेते हैं। और ये है इमरजेंसी का गेट, बट एक बात है गाइस कि ना अब लोग ना बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, मास्क लगाना लोगों ने छोड़ दिया है, हालांकि पापा ने मास्क नहीं लगाया, मास्क का तुम्हारो मास्क लगा, और मास्क लोग फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ से, ये इमरजेंसी गेट है और दूसरा वाला गेट ओपीडी का है। तो अभी दोस्तों मैं जनरल सर्जरी में और अभी हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर जो डॉक्टर दीपक राजपूत जी हैं थोड़ा सा भी जो है अंदर पेशेंट गए हुए हैं, इसके बाद हम जाएंगे और पापा को दिखाएंगे कि क्या दिक्कत है एक्चुअल में। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं हॉस्पिटल के बाहर और हमने ना पापा को दिखा दिया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने बोला भाई कि एक हफ्ते अभी दवाई खानी है, दवाई उन्होंने चेंज करके दी है, क्योंकि पहले हम निर्मल हॉस्पिटल की दवाई खा रहे थे, पापा को मतलब दिलवा रहे थे, अभी हमें दवाई चेंज करके लेनी है। और साथ ही साथ में डॉक्टर ने बोला वैसे तो इसे ठीक हो जाएगा, अगर बाय द वे नहीं होता है तो चीरा लगाना पड़ेगा, एक्चुअली इनकी नाभि में हल्का सा कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो नाभि में चीरा लगाना पड़ेगा बाय द वे अगर ठीक नहीं होता है। तो चलो यार अब हम दवाई ले लेते हैं और फिर निकलते हैं घर। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर, बट यार ना बीच में हो गई थी बहुत ज़्यादा बारिश, तो ये देखो गाड़ी का ना बुरा हाल हो गया, पूरी गंदी पड़ गई है, अब इसे धोना पड़ेगा क्योंकि बिना गाड़ी धोए बड़े बिल्कुल बेकार लग रही है। तो अभी दोस्तों बीत रहे शाम के 4 और यार अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी चाय बना रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी है, चीनी चाय पत्ती और अदरक, और अभी पानी खौल रहा है, अभी साथ ही साथ में दूध डालूंगा। अब आप सोच रहे होंगे आज मैं चाय क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज यार मोनी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं आज चाय बना रहा हूँ, और जो हमारे घर पे लेबर्स काम करती है उनके लिए चाय बन रही है, क्योंकि यार देखो आपस में ना हस्बैंड वाइफ का यही फर्ज होता है कि आपस में इश्क मोहब्बत होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी लाइफ कट पाती है एक दूसरे के साथ में अच्छे से, क्योंकि जब प्यार अच्छे से रहेगा तो भैया लाइफ अच्छे से कटेगी, और सुख दुख में ना हमेशा हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आप लोग हेल्प करते हो या नहीं करते हो, आप लोगों की लड़ाई होती है नहीं होती है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो यार चाय तो मैंने बना ली है, बाय द वे मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ, और कभी आप आना चाय पे आपको जरूर पिलाऊंगा अपने हाथ की बनाई हुई चाय। और यार डेली की आप सोच रहे होंगे डेली की वही लाइफ है कि भैया चाय लेके जाना और आपको वही दिखाना, लेकिन बड़ा धमाका करने वाले हम बहुत जल्दी, और आपके लिए बहुत सारा सरप्राइज है। तो अगर आप फेसबुक पर ब्लॉग देख रहे हो ना गाइज, तो आप फॉलो करके जरूर रखना,
क्योंकि अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी हमारी नई वीडियोस आएगी, ब्लॉग्स आएंगे, उसका आपको अपडेट मिलता रहेगा। और साथ ही साथ में यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और आप बेल आइकन को भी ऑन करके रखना, तभी आपको अपडेट मिलेगा। और जल्दी हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो अभी दोस्तों बज रहे शाम के 6 और यार अभी ना मोनी की तबीयत थोड़ा सही हो गई है और इनको ना जाना है लॉन्ग राइड पे, तो मैंने सोचा चलो भाई बुलेट ही निकाल लें, अब इनको लेके चलते हैं लॉन्ग राइड पे और थोड़ा घुमा लेते हैं। और यार दोस्तों मोनी का ना लॉन्ग ड्राइव पे घूमने का जो मन था ना भाई, ये देखो पानी पानी, पूरी बरसात हो रही बहुत भयंकर, और अभी हम फ्लाईओवर के नीचे रुके हुए हैं। बारिश कहाँ हो रही थी, अब अचानक से भाई बारिश हुई और देखो बारिश ही बारिश हो रही है। तो अभी हम बारिश का रुकने का वेट कर रहे हैं और फिर निकलेंगे भाई हम घूमने के लिए छितरा वाला की साइड। और वहाँ पे नेहा से भी मिलना है, इसकी फ्रेंड है छुटकी, मतलब स्कूल की फ्रेंड, तो उससे मिलने जा रहे हैं, साथ में घूमेंगे भी। तो चलो यार थोड़ा वेट करते हैं फिर निकलते हैं। और यार बरसात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों को ना फ्लाईओवर के नीचे रुकना पड़ रहा है। और ये देखो सारे जितने भी टू व्हीलर वाले हैं, बाइक वाले स्कूटी वालों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है यार, क्योंकि कार वाले तो इसलिए निकल जाते हैं, बरसात कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये देखो भीग भीग के आ रहे हैं बेचारे। तो अभी हम आ चुके छिदर वाला और ये है मोनी की फ्रेंड बचपन की स्कूल की, और वो ना शर्मा रही है। ये देखो ये लड़ाई, ये ना बहुत शर्मा रही है, ब्लॉग में शर्मा रही है और भाग गई नीचे। तो चलो गाइस अभी इनका मेल मिलाप होने देते हैं और फिर मिलते हैं। भाई इतना कौन शर्माता यार, चलो कोई नहीं मिल लो, तुम जाओ पतली है ना इसलिए थोड़ा जाओ, तुम मिल लो जाओ, नहीं चलते हैं आ जाओ, चलो ठीक है तुम मिल लो। तो अभी यार मोनी और मोनी की फ्रेंड दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो बस यही था आज का छोटा सा ब्लॉग, हम घूमने आए थे बट बारिश ने सारा माहौल ही खराब कर दिया, क्योंकि यार बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, अभी तो रुक गई है। बस आपको ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट करके यार जरूर बताना, और आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ में गाइज अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करना, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस जो ब्लॉग्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे ब्लॉग्स कभी भी मिस ना कर पाओ। तो चलो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय दोस्तों।